कितना पड़ता है? ये 15 लाख रुपए के भैया। 15 लाख अराउंड इसका कॉस्ट आता है। देख लो भाई, 1350 cc। मजा आया, थ्रिलिंग, मजा आया। It was good. लिया। थ्रिलिंग में क्या, आपको कस्टमर्स बोलते हैं कि 100-200 ज्यादा ले लो लेकिन लैंड करा दो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम ओढ़नी डैम बांका। अभी हाल ही में इसको डेवलप किया गया है। ये है ओढ़नी डैम, पीछे आपको उधर भी लेकर के चलेंगे। तो वीडियो में मैं आपको पूरा सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे आना है, क्या चार्जेस है बोट का, क्या क्या चीजें हैं यहाँ देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको लेकर के चलते हैं उधर ओढ़नी डैम और दिखाते हैं। ये लगभग भागलपुर से, मैं आपको बता दूं कि 60 किलोमीटर है, अराउंड 1.5 से 2 घंटा लगा। अभी एक्चुअली वो बांका बौसी वाला रोड बंद है, तो आपको इधर से आना होगा अमरपुर होकर के। तो अभी चलते हैं उधर देखते हैं। अभी ये मेन रूट है यहाँ आने के लिए, जिसको अभी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अपन उधर से आ रहे थे तो हमने देखा वहाँ पे कि ट्रैक्टर रुका हुआ था और बार्स वगैरह गिराया जा रहा था। तो रोड्स हाल ही में बनने वाला, आप देखोगे उधर से दो आदमी आ रहे बार्स वगैरह लेकर के, और इधर मशीन्स वगैरह लगी हुई है। ये है प्रॉपर्ली पार्किंग का एरिया, यहाँ पे पार्किंग होता है। उधर जो आप देख रहे हो वो लाइन है बोट्स की, और बोट्स और जेट स्की के टिकट्स के लिए। टिकट की चार्जेस भी मैं आपको बताऊँगा। और देखो उधर काफ़ी भीड़ है, आज संडे है, काफ़ी भीड़ है, और भी लोगों को पता चल रहा है जैसे जैसे वो लोग आ रहे हैं। देखो समय सुबह 10 बजे से 6:30 बजे तक। बोटिंग शुल्क 12 मिनट का लोग 100 रुपीज़ लेते हैं, 30 मिनट का फुल डैम राइड 250, जेट्स की हाफ डैम राइड 300, और जेट्स की फुल डैम राइड 500। तो प्राइजेस मेरे हिसाब से तो ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और बहुत सारे नोट्स लिखे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें नॉर्म्स जो है वो ज़रूरी है फॉलो करने के लिए। अंदर ना कैंटीन है, तो आप स्नैक्स रिफ्रेशमेंट यहाँ से ले सकते हो। अभी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, अभी प्रोबेबली आपको सोन पापड़ी, मिनी समोसा वगैरह मिलेगा, लेकिन ये प्रॉपर कैंटीन है जैसा यहाँ के लोग वर्कर्स बताते हैं। तो दिस इज़ द प्लेस, यहाँ से आप रिफ्रेशमेंट लेके उधर जा सकते हो। और इधर लिखा हुआ है ईयर ऑफ द फर्स्ट फिलिंग इज़ 1978, ईयर ऑफ कम्प्लीशन 2000 में ये प्रिपेयर्ड हुआ है। तो अभी कुल इसको 21 साल हो गए इस डैम को रेडी हुए। देखो रिफ्रेशमेंट का पैकेट्स लिए हैं, कितना लगा भैया इसका? 65। और अभी जैसा बता रहे हैं ज्यादा कुछ है नहीं कैंटीन में, अभी तो कुछ नहीं। तो समोसा और आपको स्नैक्स में यही मिल सकता है, पानी का बॉटल वगैरह मिल रहा है। तो आप लोग किससे सुने एक्चुअली ओढ़नी डैम के बारे में? भागलपुर में जो होर्डिंग्स वगैरह लगा हुआ उसको ही देखें। एक्चुअली इस प्लेस को बहुत जल्दी सर्टिफाई किया गया बिहार टूरिज्म के थ्रू, और इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, न्यूज में भी दे ही रहा है। एक्साइटेड पूरा भाई, पूरा मजा आ रहा है। लाइफ जैकेट पहनेंगे और निकलेंगे। सनसेट भाई जबरदस्त, ये सनसेट आप इस बोट से अगर बैठ के देख रहे हो तो जन्नत देख रहे हो, जन्नत। भैया जेट्स की आप चला रहे थे, बहुत बहुत मज़ेदार। तो ये दो भैया थे जो जेट्स की ड्राइव कर रहे थे, और इन्होंने कोर्सेज वगैरह किया है उत्तराखंड से। आप उत्तराखंड से हो? आपने इसका कोर्स वगैरह वहीं पे, मतलब वहाँ तो आपने बहुत ड्राइव किया होगा? 7 साल। तो ऐसे थ्रिलिंग में क्या, आपको कस्टमर्स बोलते हैं कि 100-200 ज्यादा ले लो लेकिन लैंड करा दो? मतलब जितना थ्रिलिंग था मैंने ऊपर से देखा, जो आपके साथ बैठते होंगे आपको ये खासा देखना पड़ता होगा क्या? हर कोई बोलता होगा भाई अब हो गया, बस करो। और इस बोट का कॉस्ट कितना पड़ता है? ये 15 लाख रुपए के भैया। 15 लाख अराउंड इसका कॉस्ट आता है। देख लो भाई, 1350 cc। और स्पीड लिमिट क्या है इसका? RPM जाता है भैया 8000+। 8000+। और मतलब सेफ्टी के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा? लाइफ जैकेट। तो इस मशीन का कॉस्ट है 15 लाख। 8000 RPM, आप समझ लो किस स्पीड में
क्रॉस करती होगी तो जो मजा होता होगा। धूम में हमने देखा था इसको, प्रोबेबली धूम पिक्चर में बहुत चली है। एक घंटे में 60 लीटर तेल। तो आप जा रहे हो भैया? एक्साइटेड हो? बहुत थ्रिलिंग होने वाला है। थ्रिलिंग में क्या आपको कस्टमर्स बोलते हैं कि 100-200 ज्यादा ले लो लेकिन लैंड करा दो। अगर आप ये वाला स्कीम चालू कर दीजिएगा ना, 100-200 ले लो लैंडिंग करा दो, तो आपका 4-5 हजार रुपया घंटे में बन जाएगा। पानी आएगा इधर से बहुत जबरदस्त वाला, देखना। कपड़ा का हाल देखो भाई, इसका भीग गया भाई। मजा आया ना? मजा आ गया एकदम। बस सनसेट का व्यू ले सकते हो आप यहाँ से, और यहाँ बैठ सकते हो। दिस इज एक्चुअली फन। ये था इधर का ओवरऑल सीन, बोट राइड और जेट्स की राइड। इधर आप बैठ सकते हो, उधर चेयर्स वगैरह लगा हुआ है, और बस यही है ओढ़नी डैम। और कुछ खासा यहाँ पे है नहीं, बस जो है ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है आपके साथ। और जब बोट में बैठोगे तो 12 मिनट जो मज़ा आने वाला है वो है। बाकी उधर आपको थोड़ा सा उधर भी दिखा देते हैं, बस यही है और क्या, बिहार है। इस वाले ब्लॉग में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई जो ओढ़नी डैम से रिलेटेड है, जो आपको यहाँ आके घूमने में मदद करेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो कि वो लोग भी आए और आप भी आओ वीडियो देख करके, ताकि इस प्लेस को थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मिले। और बहुत जल्दी ये ग्रो किया है और अभी कर भी रहा है। पीछे कंस्ट्रक्शन का काम होना बाकी है, रोड्स पे रोड्स एंड ऑल बनना अभी बाकी है, तो कुछ दिन बाद ये और अपग्रेडेड आपको दिखेगा। बाकी ब्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, सभी लोगों के साथ शेयर कर देना। बाकी लाइक कमेंट तो आप यूजुअली करते हो, वैसे ही करते रहना है। और नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, माँ दुर्गा आप सभी के ज़िंदगी में खुशहाली लाए, यही कामना है, यही दुआ है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून, एंड मस्ट विजिट दिस प्लेस ओढ़नी डैम।